क्या आप सब हीरो फिनकॉर्प के आईपीओ के बारे में जानना चाहते हैं? कैसी है ये कंपनी, क्या है इसके फंडामेंटल्स, इसका बिजनेस मॉडल? मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगी हीरो फिनकॉर्प के साथ जुड़ने के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। वीडियो के एंड में मैं आप सबको दूंगी इन्वेस्टमेंट के ऊपर एक बोनस टिप, इसलिए बने रहिए मेरे साथ वीडियो के एंड तक। मेरा नाम है करिश्मा, प्लानिफाई में एक बार फिर मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। शुरू करने से पहले मैं आप सबसे पूछना चाहूंगी, बचपन में आप में से किसी ने हीरो होंडा बाइक की सवारी की है? आई एम श्योर बहुत लोगों ने की होगी और बहुत लोगों के पास तो आज भी होगी। मैं सिर्फ जानना चाहती हूँ, क्यूरियस हूँ ना। अगर हाँ तो कमेंट करके बताइए यस, और अगर ना तो कमेंट करके बताइए नो। हीरो फिनकॉर्प बेसिकली एक NBFC है जो कि हीरो होंडा ग्रुप का ही एक मॉडल है। बेसिकली इनका काम ये है कि ये लोग कंज्यूमर फाइनेंस बिजनेस और कमर्शियल लेंडिंग बिजनेस में एंगेज रहते हैं। ये 1992 में हीरो होंडा फाइनलीज लिमिटेड के नाम से ये कंपनी फॉर्मुलेट हुई थी, और इस कंपनी का मेन उद्देश्य मोटो ये है कि अपने सप्लायर्स को और डीलर्स को मीडियम टर्म लोन्स प्रोवाइड करना। चलिए अब हम जानते हैं इस कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में। ये कंपनी हमें प्रोवाइड करती है टू व्हीलर लोन्स, टॉप अप लोन्स, प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लोन्स और SME और कमर्शियल लोन्स। सबसे पहले हम बात करेंगे टू व्हीलर लोन्स के बारे में। जितने भी हमारी टू व्हीलर्स खरीदते हैं हम हीरो कंपनी से, कंपनी हमें साथ में लोन प्रोवाइड करती है, जिसकी मदद से हम कोई भी मोटरकॉप की बाइक खरीद सकते हैं। कस्टमर को और क्या चाहिए, बाइक भी ले आओ और कंपनी साथ में लोन भी दे ही देगी। अब हम बात करेंगे टॉप अप लोन्स के बारे में। कंपनी अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स जिनका रिकॉर्ड काफी अच्छा है उनको टॉप अप लोन्स प्रोवाइड करती है। और अगर मैं लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी की बात करूँ तो कंपनी कॉर्पोरेट्स, सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स और फर्म्स को भी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लोन्स प्रोवाइड करती है। कंपनी अपने SME और कमर्शियल कॉर्पोरेट्स को डिफरेंट लोन्स प्रोवाइड करती है, जैसे कि बिल डिस्काउंटिंग, प्रोजेक्ट फाइनेंस, मशीन फाइनेंस, वर्किंग कैपिटल फाइनेंस एक्सेट्रा, ये सब कंपनी प्रोवाइड करती है। इंडिया टुडे की मैगजीन में टॉप 50 मोस्ट पावरफुल कंपनीज की लिस्ट में हीरो फिनकॉर्प का नाम आता है। इसके अलावा जो कंपनी के CEO है वो है पवन मुंजाल के बेटे मिस्टर अभिमन्यु मुंजाल। अब हम बात करेंगे कंपनी के फाइनेंसिस के बारे में। कंपनी की कैश फ्लो स्टेटमेंट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। पिछले 5 सालों में कंपनी का नेट प्रॉफिट और रेवेन्यू 83.39 से 78.09% ग्रो किया है, और ये नंबर बहुत ही अच्छा है। असेट अंडर मैनेजमेंट 3042 करोड़ से बढ़कर 13542 करोड़ हो चुका है, जो कि ओवरऑल 4 टाइम्स बढ़ चुका है। इनकी लोन की डिसबर्समेंट 53.43% पिछले 3 सालों में 2502 करोड़ से लेकर 9037 करोड़ तक बढ़ चुकी है। नॉन प्रॉफिट असेसमेंट इनकी कंट्रोल में है, जो कि पिछले साल सिर्फ 0.4 से बढ़ी थी। ICRA जो बेसिकली एक रेटिंग एजेंसी है, उस एजेंसी ने इस कंपनी के शॉर्ट टर्म लोन्स और लॉन्ग टर्म लोन्स को AA+ रेट किया है, जो कि बेस्ट और स्टेबल रेटिंग होती है। इसके अलावा हीरो फिनकॉर्प एक डिविडेंड बेस्ड कंपनी है, और लास्ट ईयर फाइनेंशियल ईयर कंपनी ने पर शेयर ₹4.5 इन्वेस्ट किया था। अब मैं बात करूंगी उस इन्वेस्टमेंट टिप की जिसके बारे में मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था। ये इन्वेस्टमेंट टिप मिस्टर वॉरेन बुफे ने सजेस्ट की है। ही सेज दैट बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल एंड बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी। इसका सिंपल मतलब ये है कि आप मार्केट में तब पैसे लगाओ जब सब डर रहे हों, और आप मार्केट में से तब पैसे निकालो जब सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अब मैं आप सबके आगे प्रेजेंट करूंगी मार्केट का एक ओवरव्यू। अगर मैं मार्केट के ओवरव्यू की बात करूं तो सबसे पहले, जैसा कि हमने अपनी मोटर माइक्रो फाइनेंस की वीडियो में शेयर किया था और HDB फाइनेंस की वीडियो में शेयर किया था, कि इंडिया में NBFC की ग्रोथ बहुत ज़्यादा है। इंडिया में NBFC की ग्रोथ का काफ़ी स्कोप है, और इस कंपनी को जाना जाता है टू व्हीलर लोन्स के लिए। अगर आपने वो वीडियो नहीं दी है तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक्स प्रोवाइड करेंगे, आप वो वीडियो चेक कर सकते हैं। जैसे कि हमने आप सबके साथ स्टड एक्सेसरीज की वीडियो में शेयर किया था कि साउथ एशिया टू व्हीलर सेगमेंट में सबसे लीडिंग कंट्री मानी जाती है। इसका मतलब ये, अगर टू व्हीलर कंपनी को ग्रोथ हो रही है तो हीरो होंडा को ऑटोमेटिकली ग्रोथ होगी, और अगर हीरो होंडा की ग्रोथ होगी तो हीरो फिनकॉर्प के लोन्स की भी ग्रोथ होगी। हमारे अकॉर्डिंग कंपनी की फाइनेंसेस, ग्रोथ, मैनेजमेंट बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, और हम इसको 5/5 रेट करते हैं। हम आपको ये भी एडवाइस करते हैं कि आपको इस शेयर में इन्वेस्ट ज़रूर करना चाहिए। अब हम बात करते हैं हीरो फिनकॉर्प के इन्वेस्टमेंट और IPO के बारे में। जैसा कि आप देख सकते हैं ये कंपनी अभी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है, और ये नए ट्रेंड के अकॉर्डिंग स्टॉक मार्केट में लिस्ट होना भी नहीं चाहती है। वैसे भी ज़्यादातर कंपनी स्टॉक मार्केट में तब लिस्ट होती है जब उनकी स्टेज उल्टा कम हो रही होती है, उनकी ग्रोथ कम हो रही होती है, वैसे ही वो स्टॉक मार्केट में वो चली जाती हैं। घबराइए नहीं, अगर आप हीरो फिनकॉर्प में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, हमारे पास उसके लिए प्री IPO इन्वेस्टमेंट प्लान्स है, जो कि ₹950 से लेके 1050 तक के प्लान्स अवेलेबल है, और ये बेहद सस्ते प्लान्स है। अगर आप हमसे इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई भी बात करना चाहते हैं
तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, वरना चाहे तो हमें ईमेल भी ड्रॉप कर सकते हैं। चलिए अब हम आपको देते हैं आज की बनियागिरी टिप। आज की बनियागिरी टिप ये है कि सिर्फ आप कंपनी के इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड्स या फिर फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स मत देखिए, ज़रूरी ये होता है देखना कि कंपनी इंडस्ट्री और मार्केट की डिमांड्स के साथ चेंज हो रही है या नहीं। भले ही कंपनी एक मल्टी बैगर हो, लेकिन अगर वो इंडस्ट्री और मार्केट की डिमांड्स के साथ चेंज नहीं हो पा रही तो उसमें इन्वेस्ट करना एक वाइज चॉइस नहीं है। दोस्तों, हम ये वीडियो बनाकर अपना काम कर चुके हैं, अब आपकी बारी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, प्लानिफाई को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से किसी की भी मदद हो पाएगी तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और सोशल मीडिया पर ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि आप अगली बार हमारी कोई भी वीडियो मिस ना करें। इसलिए नीचे दिए गए बेल आइकन को दबा दीजिए। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आपका होराइजन 2 से 3 साल का इन्वेस्टमेंट है तो फिर आप इस शेयर में ज़रूर इन्वेस्ट कीजिए। मैं आपसे मिलूंगी अब अगली वीडियो में, तब तक आप प्लानिफाई के साथ अपने ख्वाबों को पंख दीजिए और अपनी ज़िंदगी संवारिए। थैंक यू।